प्रांत यहाँ के अपने लोकल की जिले तो कोई ऐसा, चाहे वो बीजेपी का रहा हो, चाहे सपा का रहा हो, चाहे बसपा का रहा हो, कोई ऐसा लीडर वो तो अपनी अपना अपना ऑफर लेकर अपनी अपनी भेंट लेकर के वो ददुआ से मिला करता। अच्छा ये बताइए उस वक्त कहते हैं कोई तो ये हुआ करता था कि भाई ये लीजिए 10 लाख 25 लाख 50 लाख आप प्रचार करिए हमारा पार्टी, हमको जितवा दीजिए। और कोई पहुंचता है कि भाई आप चुपचाप बैठे रहिए, आप किसी का प्रचार प्रसार न करिए, ये 20 लाख आ गया, ये 20 लाख आ गया। ददुआ ऐसे करता था, होता ही था अमूमन। के साथ सब थे, विधायक भी थे, सांसद भी थे, फिर वो क्यों मारा गया था? सुनिए अब हमारी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही भाई साहब, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हो सकता है कि यहाँ ददुआ से आकर मिले हों, हो सकता है। नीतीश कुमार अगर वीडियो देखेंगे तो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार अगर ये वीडियो देखेंगे तो इनका खुद का राय है जनार्दन जी का, ये जब निकलते हैं लोग, मतलब आप बाहर तो क्या कहते हैं, क्या लोग सोचते हैं, किस तरह से बात करते हैं आप? हाँ जैसे अब हम भाई क्षेत्र इलाके में अपने दुश्मन जो भी जो बढ़िया खान पान उठन बैठन तो उनमें भी उनके परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनको हम सम्मान देते हैं, उनके जो छोटे हैं हमसे सभी छोटे लड़के वड़के हैं जो उनको हमारा पैर छूते हैं, हमें सम्मान देते हैं। अच्छा, पैर छूते हैं? हाँ हाँ बेशक बेशक भाई, ताल में जब पूरा सब घर आना जाना खान पान सब फिर से हो गया और हमने सबको आज़ाद कर दिया कि भाई खूब अच्छी तरह से कमाइए, अपने खेती बाड़ी अपना परिवार देखिए, पढ़ाई लिखाइए, खूब विकास करिए, जहाँ जरूरत हमारी समझो बताओ, और हमारे अंदर कभी किसी प्रकार की कोई कसक नहीं है। अब अबे तुम्हारे पिता बाबा वगैरह बेईमान किस्म के आदमी थे, उन्होंने दगाबाजी से 3-3 मर्डर किए हैं, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। माना कि हम लोग ज़्यादा मर्डर कर दिए हैं तुम्हारे घर परिवार के, कभी तुम्हारी कसक बने तो साफ बता देना कि नहीं फिर से हमारी लड़ाई फिर से तैयार हो जाएंगे। आप कह दिया, हमने तो अपनी ज़िंदगी में जब तक जिएंगे हमारा यह नारा रहा है कि अन्याय करेंगे नहीं, बशर्ते अन्याय सहेंगे भी नहीं। अच्छा हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि ददुआ के साथ सब थे, विधायक भी थे, सांसद भी थे, फिर वो क्यों मारा गया था? सुनिए अब हमारी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही भाई साहब कि तो ददुआ के साथ विधायक सांसद क्यों रहे। ददुआ मान करके चलिए कि ग्राम प्रधान से लेकर के और ब्लॉक प्रमुख और क्या नाम से जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और क्या नाम से विधायक, तो सांसद, तो ये जिले की बात आप छोटी सी बात कर गए। ये तो बांदा उस समय जनपद हुआ करता था, तो बांदा और आप चित्रकूट अलग हो गया, तो बांदा चित्रकूट पहले एक रहे तो उस समय बांदा की राजनीति हुआ करती थी, बड़ा जिला था, तो आप एक जिले की बात कर रहे हैं, एक जिले की बात नहीं भाई साहब। हम तो आपको बता दें कि उस जमाने में इतना जाति स्तर से उससे क्या नाम से वर्चस्व बन गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हो सकता है कि यहाँ ददुआ से आकर मिले हों, हो सकता है। नीतीश कुमार अगर वीडियो देखेंगे तो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार अगर ये वीडियो देखेंगे तो इनका खुद का राय है जनार्दन जी का, ये खुद बोल रहे हैं। वो हमें गर्व है उन पे कि कोई समाज का व्यक्ति अपने जात कुनबे के लिए और उसके लिए अगर क्या नाम से बीड़ा उठा है कि आगे बढ़ाना है तो वो भी अपने जात कुनबे, वो भी पटेल समुदाय से हैं नीतीश कुमार जी भी, तो वो भी अपने आप को गर्व समझते थे कि नहीं हम ऐसे व्यक्ति से मिलें, हो सकता है कि हमारा कुछ वहाँ से सहयोग हो, ना भी होगा तो हमारा तालमेल तो ही रहेगा। और आप ये तो आपको दूसरे प्रांत यहाँ के अपने लोकल की जिले तो कोई ऐसा, चाहे वो बीजेपी का रहा हो, चाहे सपा का रहा हो, चाहे बसपा का रहा हो, कोई ऐसा लीडर वो तो अपनी अपना अपना ऑफर लेकर अपनी अपनी भेंट लेकर के वो ददुआ से मिला करता। अच्छा ये बताइए उस वक्त कहते हैं कोई तो ये हुआ करता था कि भाई ये लीजिए 10 लाख 25 लाख 50 लाख आप प्रचार करिए हमारा पार्टी, हमको जितवा दीजिए। और कोई पहुंचता है कि भाई आप चुपचाप बैठे रहिए, आप किसी का प्रचार प्रसार न करिए, ये 20 लाख आ गया, ये 20 लाख आ गया। ददुआ ऐसे करता था, होता ही था अमूमन। अब आप हमारे पास पहुंचिए, अपन फेंके जा रहे हैं तो हम फेंक देंगे क्या? तो अब
अगर हमने आपका नमक खा लिया है, आपका पैसा खा लिया है भाई, तो कुछ तरफदारी तो करेंगे ही ना, उसमें जोर शोर लगाएंगे और क्या होगा भाई। जब जानते हैं कि हमारा जितनी देर एक जगह से एक फरमान जारी हो जाएगा कि नहीं, तो वहाँ वहाँ क्या नाम से लोग नानुकुर करने वाले है ही नहीं है, वही होना है, वही होना है। अच्छा, ददुआ डकैत क्यों और किस गलतियों की वजह से मारा गया था? अच्छा हाँ, ये कौन सी गलती थी जिसने उसकी जान ले ली? अब यह बात मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहूँगा कि ये काम का प्रश्न आपने कहा कि ददुआ क्यों मारा गया। भाई जी, जब तक आदमी कुछ पाक साफ रहता है, उसके अंदर लालच लिप्सा वाली कोई बातें विशेष नहीं रहती, तो वो कुछ उसका दिमाग अपनी सुरक्षा में और उसमें जाएगा, वो किसी पे इतना न विश्वास करेगा और न किसी के आश्रित हो जाएगा। ददुआ में इधर हुआ क्या था कि ये पैसे की प्रलोभन में, पैसे के संकलन में और पद की लोलुपता में इतना इसका रुझान हो गया कि अपनी सुरक्षा के लिए और गाय की सुरक्षा के लिए ये उतना ना दिमाग लगा पाया, बेफिकर एकदम से, बेफिकर जैसे हो गया कि अरे मेरा भाई विधायक तो मेरा बेटा तो इस तरह से तो फलानी तो फलानी तो फलानी, तो भाई विरोधी तो हर तरह से तैयार हो जाते हैं। ठीक, हुआ क्या था कि ददुआ के मारे जाने का मेन कारण ये हुआ भाई साहब कि ददुआ पहले तो बीएसपी का सीपीआई और बीएसपी का प्रवर्तक रहा, प्रचारक था, सपोर्टर था। तो राम सजीवन दादा एक ऐसे नेता थे कि राम सजीवन दादा का ददुआ ने बहुत सारा सहयोग किया, आज वो नहीं रह गए हैं, सहयोग किया, लेकिन किसी को भान ये नहीं होता कि था कि ददुआ का भी सहारा मिलता है, यानी अपने आप में उनका भी कोई रोल हुआ। अरे साहब, वो नेता थे, आज जितने आप देखेंगे वो नेती है देख रहे हैं यार, वास्तव में वो नेता थे और क्या नाम से राजनीति के बांदा जिले में जनक थे। वर्चस्व था राजनीति में, राजनीति के जनक तो स्वर्गीय नाथू राम चंदेल को कहिए, बांदा डिस्ट्रिक्ट में सीपीआई का झंडा गाड़ना और राजनीति के जनक तो नाथू राम चंदेल थे, उन्हीं के पर चिन्हों पर उन्हें उनके बातों का अनुरोध करते हुए स्वर्गीय दादा राम सजीवन रहे, जो कि चार बार विधायक, तीन बार सांसद। तो इस तरह से राजनीति तो होता क्या था, हाँ, कि आप कह रहे हैं कि ददुआ का मर्डर क्यों कैसे हो गया, तो ददुआ इधर भाई साहब पैसे के और पद की लोलुपता में ज्यादा हो गया। अच्छा, इसलिए इसलिए कौन सी पद, वो आखिर कौन सी, रुक जाइए पद पे आप बता दिया, आपको पूर्व में भी बताया अभी कि ददुआ का हाथ प्रधानी से लेकर के सांसदी तक आ गया था। मतलब अपने लोगों को बनवाता, अपने लोगों को ही, अपने लोगों को ही वो उसकी चाह बन गई थी कि क्या नाम से बढ़ाया जाए। भाई क्यों कहा जाता है कि ददुआ कुर्मी जात का मसीहा था, कुर्मी जात का मसीहा, ज्यादातर कुर्मियों को ही सब हर जगह से टिंग करा रहे हैं। वैसा नहीं, जैसे कोई हरजन सीट है तो हरजन भी अपने से, यानी सबको, वो उसको असल में ज्योतिषी क्यों बनी, ज्योतिषी बाद में यूं बनी कि जैसे हीरा पांडे रहा कर भी, हीरा पांडे 16-17 साल अज्ञात भागा रहा। हीरा पांडे ने ही जातिवाद पैदा कर दिया। ब्राह्मण वर्चस्व कुर्मी पटेल अपने स्वार्थ में हीरा ने पैदा कर दिया था। नहीं भाई साहब, 82 में हम आत्मसमर्पण करते हैं, मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि 82 में हमारे आत्मसमर्पण के, हो सकता है कि 2-4 महीने पहले ही हीरा आकर के हमसे मिलता है, दसियों किलो मिठाई के पैकेट, कुछ कपड़े लगते हैं, कुछ पैसा भी खर्च के लिए कि नहीं आज इतना रख ले, और वह सब कुछ आकर के हमसे मिलता है, हमारे अच्छे तालमेल रहे। लेकिन 82 में जब हम लोग समर्पण कर देते हैं, उसके बाद से ऐसा कुछ अंकुर जमा जातिवाद का ददुआ के और दादू हीरा पांडे के बीच कि यह पूरा जिले में नहीं बल्कि अन्य जनपदों में भी यह बिछा गया, पूरे उत्तर प्रदेश में, बता दिया कि पूरे यूपी में अन्य जनपदों में भी यह बिछा गया, जबकि ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में और ददुआ के टाइम में भी सबको संरक्षण मिलता था,
ऐसा नहीं था, कहा जाता था कि पुलिस तो पकड़ नहीं पाती थी ददुआ को। हाँ, रुक जाइए, जब भी एसटीएफ वगैरह छापा मारते कर देते हैं और क्या नाम से उसको वही वही जानकारी मैं बता। हाँ, तो हमारी सुनिए कि ददुआ क्यों मारा गया। तो जितनी देर आदमी पैसे की लोलुपता में, पद की लोलुपता में आ जाता है, उसके दिमाग में दूसरी बातें घूमने लगा करती थी। जैसे जैसे आप बागी हैं, हम आपसे मिलने के पहुंच गए, तो हम चाहे कितने भी आपके नज़दीकी हों, ठीक है, हमारा तो ऐसा रिकॉर्ड रहा है, ऐसा रोल रहा है कि हम पे इतना विश्वास था सभी का, लेकर के छोटे से बड़े बागी, जैसे टोकी अभी अपने सानिध्य में आया और वो क्या नाम से वो घनश्याम केवट भी अपने सानिध्य में आया, राधे रहा, ददुआ रहा, राजा रगौली, यानी जितने भी अपने, ये तो अपने बनाए हुए थे, जितने भी हमारे टच में आते रहे, ये गौरी यादव अभी कुछ दौर से पहले मारा गया, हमसे सब मिलते जुलते रहे, सब मिलते जुल कहीं किसी कार्यक्रम में गए, जैसे पाठा क्षेत्र में हमारे एक मंदिर में प्रोग्राम हुआ करता था एक साथी का हमारे, तो जितने भी वहाँ पर आजू बाजू बागी हुआ करते थे, दो चार दस पाँच जो एक दो गए को, सब सब क्या नाम से हमसे आकर मिलते थे वहाँ कि भैया हाँ चलो चलिए यार वहीं खाना पीना होगा होगा, चलो ठीक है बेटा आ गए हो खाओ पियो, तो अनिवार्य सबसे जान पहचान सबसे तालमेल हुआ करते थे, कभी किसी ने हमारे प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखी। इसलिए हमारा वसूल था कि एक जेब कट से लेकर के एक बागी तक की हम कभी कोई बुराई नहीं किया, हमारे लिए वो प्यारा था कि चलिए समाज का सताया हुआ व्यक्ति है यार वो भी, जैसे हम अपने से घटाते थे कि हम समाज के सताए हुए थे, दबे कुचले लोगों में थे, हमें लोग दबाते चले जा रहे थे, तो हमने उसका पीड़ा उठाया, तो ये भी इसी तरह से ये भी पीड़ित था, तो आ गया है, तो इसको हमारे द्वारा कोई क्षत पहुंचे हमारा कभी वसूल नहीं रहा, इसलिए सभी लोग हमारी कदर करते थे। हमारा तो ददुआ क्यों मारा गया, ददुआ क्यों मारा गया, हकीकत बात रही कौन सी लापरवाही, रुक जाइए पुत्र मोह में और भाई के मोह में। इसने दादा राम से जीवन का साथ छोड़ दिया, यानी बीएसपी का दामन छोड़ दिया, ठीक। और हकीकत यह है कि दादा राम सजीवन का लेकर के यहाँ लोकल से लेकर के शासन तक इतना वर्चस्व था उनका व्यक्तिगत, चाहे पार्टी कोई भी सत्ता में आ जाए, लेकिन यहाँ ददुआ पे आज नहीं, चित्रकूट में कुछ भी करना है, चित्रकूट में कुछ भी होना है तो चित्रकूट में ददुआ बागी है, ददुआ बागी के खिलाफ एक्शन लेना है, तो राम सजीवन दादा को जरूर ये गुस्सा कानो कान बात जाएगी कि आपके जनपद जनपद में होने वाला है, ठीक है, तो राम सजीवन दादा स्वयं लगाम लगा देते थे, ददुआ को कुछ खबर भी नहीं होती थी, ठीक। तो राम सजीवन का सपोर्ट ना करना वही महंगा पड़ा भाई, लड़के के और भाई के मोह में ये बीएसपी छोड़ दिया, सपा के उसमें आ गया, अच्छा, तो एक पद की लोलुपता हो गई ना लड़के के और भाई के उसमें, और राम से जीवन दादा का साथ छोड़ देना, इसके सबसे यानी मूल कारण इसके मर्डर का ये है ददुआ के। अब ददुआ क्यों इतना आसानी से कैसे मार लिया गया, तो ददुआ पैसे के उसमें एक ठेकेदार बना रखता अपने भतीजे बब्बू को, भतीजा है परिवार का, कई करोड़ उसके सिक्योरिटी जमा रही होगी, तो उसको ठेकेदार बना रखा था, ठेकेदार बब्बू था और एक वही वो अरविंद मौर्य को मुंशी बना रखा था, जितनी देर जरूरत हो अरविंद मौर्य हलो तो क्या नाम से सर सामान ले जाए, पैसा कौड़ी दे या वो पैसा कौड़ी पेमेंट वगैरह होता है तो उसके पास हिसाब पहुँचता है, ये सब चाकर के माकर है लगे थे, तो इनके विश्वास में ददुआ आ गया। ये पूरा फोन और सब कुछ एसटीएफ डेरा डाले हुए थे मानिकपुर में, एसटीएफ ने सब इनको पूरा कैच किया और अरविंद को ऐसे आगोश में दिया कि उसको भी लॉक बेल्ट से क्या नाम से बम बांधा और एक बम पैक भी फिट कर दिया, वो कर दिया और हुआ कि साले अगर तू नहीं क्या नाम से इसको ब्लास्ट करेगा तो हम तुझे ब्लास्ट कर देंगे, रिमोट कंट्रोल वाला, हाँ रिमोट कंट्रोल, और एक बाइक में फिट कर दिया और सामान लेके बड़ा सा बाइक जाता है, किसी को तहमा किसी को चाहिए सिंघारा पाक तो नमकीन तो मिठाई तो दुनिया भर के अमंजन तेल साबुन पूरा बाइक भरा सब कुछ भाई वो सामान ले गया था, भाई किसी ने कुछ मंगाया 20-20 आदमियों की पार्टी, अब किसी ने कुछ मंगाया किसी ने, तो सब पूरा बैग था वो यंगत के सामने रखता है खोलता है, इतने में फ़ोन आता है वो करता है, वो पेशाब करने के बहाने थोड़ा सा हट जाता है, वहीं से रिमोट दबाता है, यहाँ काम तमाम हो जाता है। हकीकत बात यह है कि अंगद ही उस समय
बैग को खोल रहा था, अंगद ही पूरी तरह से छत-बिछत हुआ था, मारा था बम से। बाकिया सब लोग कोई मरे नहीं थे, आंखों से, कानों से, हाथ से दो लोग मरे। नहीं नहीं बताता हूँ, पूर्ण मूल रूप से अंगद ही खत्म हुआ था बम से, छत बिछत हो गया था बम के ब्लास्ट होने से। फिर तो जो 6-7 आदमी थे उस जगह, सब वो सब इंजर्ड हो गए थे, चल फिर नहीं सकते थे, उनको भी मारा मान लीजिए, लेकिन लास्ट में पुलिस ने उनको फिर गोलियों से मारा है। ददुआ को गोलियों से, रुक रुक जाओ, ददुआ उस समय केवल आँख से और कान से भ्रष्ट हो गया था। अच्छा, ददुआ को राधे ने थोड़ी दूर करीब लगभग 200 मीटर 300 मीटर जंगल चढ़ा के ले भी गया है किसी तरह से, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच गई एसटीएफ पहुंच गई, फायर होने लगे। ददुआ को कुछ आभास हुआ थोड़ा सा कानों में, तो राधे से कहा है कि भाई, राधे को भाई बोला करता था ददुआ, और राधे ददुआ को भैया बोला करता था। तो ददुआ ने कहा है कि भाई पुलिस आ गई, कहा हाँ भैया पुलिस आ गई और फायर हो रहे हैं। कहा तो ददुआ ने कहा है राधे से कि यार भाई ऐसा है कि अब तुम लोग सब निकलो, मुझको गोली मार ले, मुझको गोली मार दे। तो उन्हें साफ कहा है राधे ने कि नहीं भैया, मैं तो गोली नहीं मार पाऊंगा आपको। तो फिर ददुआ ने अपने हाथ से अपनी जंजीर, अंगूठी, कड़ाव जो सोने का पहनता था, समथिंग 10-16 सोना भी पहनता था। हाँ, ददुआ के पास रहा करता था, एक हाथ में कड़ा होता था, एक मोटी सी जंजीर हुआ करती थी, 2-3 अंगूठी हाथ में पहना करता था। तो समथिंग 10-11 तोला सोना ददुआ के पास परमानेंट रहा करता था।